पदाधिकारी मध्य पूरा मुर्दाबाद पदाधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर मधेपुरा से है, जहां हमेशा किसी न किसी कारणों से विवादों में घिरा रहने वाला मधेपुरा नगर परिषद में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां नगर परिषद के कर्मी पहले से ही अपनी कई मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई वार्ड पार्षदों ने अब राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज शहर के बीपी मंडल चौक पर विपक्षी खेमा के कई वार्ड पार्षदों ने राज्य निर्वाचन आयोग का अर्थी जुलूस निकाला और जलाया। मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद के खाली पद के चयन हेतु चुनाव आयोग से अभी तक तिथि निर्धारित नहीं किए जाने से नाराज विपक्षी खेमा के पार्षदों द्वारा शनिवार को नगर परिषद पार्षद संघर्ष समिति मधेपुरा के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। इस क्रम में आंदोलन स्थल नगर परिषद से अर्थी जुलूस निकालकर बीपी मंडल चौक पर राज्य निर्वाचन आयोग के अर्थी को जलाया गया। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिलाधिकारी के विरोध में नारेबाजी भी की। पार्षद अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य निर्वाचन की उपेक्षा के कारण 6 अगस्त से ही मुख्य वार्ड पार्षद के पद के चुनाव के लिए आज तक तिथि का निर्धारण नहीं हो सका, जिससे पार्षदों में आक्रोश है। वार्ड 2 की पार्षद विनीता भारती ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग अपनी गरिमा खो चुका है, जिसके कारण लगभग 1.5 माह बीत जाने के बाद भी मुख्य वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव की तिथि का घोषणा नहीं किया गया। जब तक चुनाव आयोग के द्वारा तिथि की घोषणा नहीं की जाती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वार्ड नंबर 19 की वार्ड पार्षद कंचन कुमारी ने कहा कि नगर परिषद में अराजकता फैल चुका है, कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी मनमानी पर तुले हैं। उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए जिला प्रशासन एवं चुनाव आयोग बिहार से तिथि निर्धारण की मांग की। मौके पर पार्षद निर्मला देवी, रूबी कुमारी, माला देवी, रीता देवी, उषा देवी, सीमा देवी, नारायण ताती, अनमोल शाह, अशोक यदुवंशी, शफीक आलम, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश कुमार मुन्ना, ध्यानी यादव, विजय पंडित, सुनील शाह, प्रोफेसर ललन कुमार, संदीप कुमार, संजय राय, रुदल यादव, सदानंद पासवान, कुलानंद यादव, नवीन कुमार, सुनीता देवी, द्रौपदी देवी, मोनू कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। यह अनिश्चितकालीन आंदोलन नगर परिषद पार्षद संघर्ष समिति की ओर से आज दूसरा दिन का यह कार्यक्रम है और यह अर्थी जुलूस राज्य निर्वाचन आयोग का है, जो मरणासन की स्थिति में है। अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग मधेपुरा में लोक पार्षद का पद 6 अगस्त से ही खाली है, अभी तक वह डेट नहीं दिया है और यह डेट के लिए जो भी प्रक्रिया है नगर परिषद के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है, पर आज तक डेट का निर्धारण नहीं करने के कारण यह आक्रोश में आज यह अर्थी जुलूस निकाल करके राज्य निर्वाचन आयोग जो मरणासन है वह मरणासन की स्थिति में है, इसीलिए यह अर्थी जुलूस जलाकर एक नैतिक जिम्मेवारी नगर परिषद के पार्षदों ने लिया है। यह लोकतंत्र प्रणाली का जो है यह कुठाराघात किया जा रहा है, यह ध्वंस किया जा रहा है प्रणाली को, लोकतंत्र प्रणाली को, और मधेपुरा का धरती जो पूरा देश को दिशा निर्देश लोकतंत्र के लिए दिया है, समाजवाद के लिए दिया है, उस धरती पर यह इस तरह का गंभीर कार्य करके राज्य निर्वाचन आयोग वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। देखिए आज लोग हम लोग अनिश्चितकालीन मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आयोग की तिथि निर्धारित नहीं की जा रही है। आज हम लोग का महाधरना का दूसरा दिन और हम लोग पैदल मार्च करके नगर परिषद से यहाँ तक की दूरी तय की है और अर्थी भी जला है मुख्य निर्वाचन आयोग का। जब लोग हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती, हम लोग का जिसमें मधेपुरा की महान जनता भी हम लोग के साथ है, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं जाती है आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है कि बिहार सरकार द्वारा मुख्य निर्वाचन आयोग की कुर्सी खाली है, उनकी तिथि निर्धारण घोषित की जाए। निर्वाचन आयोग के द्वारा 1.5 महीने समय दिया है, जब तक समय नहीं दिया जाएगा हम लोग अनवरत ऐसे ही धरना प्रदर्शन देंगे और ऐसे ही हम लोगों का चलता रहेगा। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि 1.5 महीने होने को जा रहे हैं और मुख्य पार्षद की कुर्सी खाली पड़ी है, उसका जल्द से जल्द तिथि निर्धारित की जाए।